गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास एक सोनी का 22 इंच का एलईडी है। इसका प्रॉब्लम देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आ रहा है। इसमें एबी सिग्नल इनपुट किया हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इसका जैसा ये ऊपर का ये वीडियो इन है और नीचे का दो ऑडियो है, ऐसा ही वीडियो इनपुट किया हुआ है इसमें, लेकिन इसमें ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आ रहा है। तो जब मैंने इसका ये रिमोट से इसका इनपुट दबाया, देखिए इनपुट दबाने से ये कंपोनेंट मोड पे है अभी, तो इसलिए इसका ब्लैक एंड वाइट का पिक्चर आ रहा है। तो इसको ये भी करना है, तो मैं सोर्स दबा रहा हूँ। देखिए टीवी एचडीएमआई कंपोनेंट, मतलब ये अभी वीडियो सपोर्ट नहीं ले रहा है। देखिए सिर्फ तीनों ऑप्शन में चेंज हो रहा है, वीडियो ऑप्शन में आ नहीं रहा है। ये सिर्फ कंपोनेंट मोड पे ही है, टीवी ये टीवी पे चला गया है, टीवी एचडीएमआई कंपोनेंट, ये वीडियो नहीं आ रहा है, मतलब ये भी नहीं आ रहा है। ये पे देखिए कंपोनेंट का सिम्टम आ गया है। तो इसे कैसे रिपेयर करना है, इसका एक सीक्रेट टिप्स है वो मैं आज देने वाला हूँ आप लोगों को। ऐसा केसेस में हम लोग क्या करते हैं, सेट को रीसेट करके देखते हैं। ये सोनी का जो रीसेट ऑप्शन है, ये सर्विस मोड में भी रहता है और नॉर्मल यूजर मोड में भी रहता है। तो मैं पहले इसका यूजर मोड में रीसेट करके देख रहा हूँ। देखिए मेनू सेटिंग, यहीं पे देखिए चैनल सेटअप पे नीचे फैक्ट्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नीचे ये फैक्ट्री सेटिंग, मैं यहीं पे जा रहा हूँ। देखिए फैक्ट्री सेटिंग, ओके, डू यू वांट टू रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग, यस, आर यू श्योर यू वांट टू रिसेट सेटिंग, यस, मैं फैक्ट्री सेटिंग कर रहा हूँ। ये सेट अभी स्टैंड बाई पे चला गया है और फिर ऑन हुआ है। अभी देखना है इसमें ये रिसेट करने से सही हो गया है कि नहीं। ये अभी तो पूरा रिसेट फंक्शन में आ गया है, इसको पहले से जैसा ऑन हुआ था ऐसा ही करना है। इंग्लिश सिलेक्ट किया, होम, और डू यू स्टार्ट ट्यूनिंग, नो, स्किप, और इसके बाद ये इसको भी स्किप कर दिया। तो ये अभी टीवी मोड पे आ गया है। अभी देखना है इनपुट दबा रहा हूँ, इनपुट एचडीएमआई कंपोनेंट, फिर सेम वीडियो पे नहीं आ रहा है। ये वीडियो ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो अभी इसका रिसेट काम नहीं किया। तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा केसेस में ये जो सोनी का ये मदरबोर्ड का कुछ दिक्कत नहीं होता है, ये सेटिंग्स में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो इसके बाद मैं इसका सर्विस मोड ओपन करके रीसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो इसका सर्विस मोड जो है स्टैंड बाई, उसके बाद ये आई प्लस, उसके बाद फाइव, उसके बाद वॉल्यूम प्लस, उसके बाद फिर पावर ऑन। देखिए इसका सर्विस मोड ओपन हो गया है। मैं सीधा इधर उधर कुछ ऑप्शन नहीं देखूंगा, मैं सीधा ये जो लास्ट में टेस्ट रीसेट है इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। रिसेट फिर से रीसेट होने लगेगा, ये देखिए फिर से स्टैंड बाई हो गया है और स्टार्ट होने जा रहा है। फिर सेटिंग, इंग्लिश, होम, स्किप, स्किप,
ये अभी टीवी पे है, मैं फिर से दबा रहा हूँ HDMI कंपोनेंट। अभी भी वीडियो ऑप्शन नहीं सिलेक्ट हो रहा है, अभी भी ये कंपोनेंट मोड पे ही है। तो अभी क्या करना है, सेट को खोलना है क्या, मदरबोर्ड को AV लाइन को चेक करना है, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि वो तो वीडियो पे ही लगा हुआ है, लेकिन वीडियो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कंपोनेंट मोड पे ट्रांसफ़र हो गया है। तो इसका जो लास्ट जो तरीका है, ये कुछ भी नहीं करना है, ये हम लोग को ये नॉर्मल सेटिंग्स के अंदर ही है। देखिए, होम सेटिंग, उसके बाद जाना है ये सेटअप, सेटअप पे देखिए USB ऑटो स्टार्टअप डाउन, यहीं पे दिख रहा है AV सेटअप, इसको सिलेक्ट करना है। और यहीं पे देखिए वीडियो कंपोनेंट इनपुट, ये जो अभी ऑटो हुआ है इसको सिर्फ चेंज करना है, इसको वीडियो पे कर देना है। देखिए मैंने वीडियो कर दिया है और अभी देखिए कलर आ गया है। अभी इसका सेटिंग्स में देखिए, वीडियो TV HDMI कंपोनेंट अभी नहीं काम कर रहा है, कंपोनेंट को ऑफ कर दिया हूँ। तो अभी हम लोगों को वीडियो ही चाहिए, कंपोनेंट नहीं चाहिए, इसलिए अभी मेरा सेट मैं फिर एक बार बंद करके चालू कर रहा हूँ। देखिए बंद किया, हाँ कलर आ गया है और यहीं पे देखिए वीडियो लिखा भी आ गया है। तो ऐसा केसेस मैंने कैसे रिकवरी करने का जो प्रोसेस है मैंने दिखा दिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।